इलेक्ट्रिकल कंट्रोल सिस्टम्स, ये अगेन एक पहली बार जेम स्टॉक में कवर कर रहा हूं और बेहतरीन कंपनी है, सबसे बढ़िया बात है। LMW ग्रुप लक्ष्मी मशीन वर्क्स की ग्रुप कंपनी है, और कई बार ऐसा होता है कि जब ये बड़े ग्रुप की छोटी कंपनी होती है तो गवर्नेंस रिस्क, क्रेडिट रेटिंग रिस्क, वो सब खत्म हो जाती है। और ये कंपनी का मैं थोड़ा सा नाम सुनावा कम है, मैं पहले टारगेट देता हूँ ये 1390 जैन साहब, 1430। जैन साहब पहले स्पेल, अरे आपके तो प्रमोटर हो तो सब बाद में बताना, आपके स्टॉक में तो फुल फॉर्म छोड़ो, अभी आजकल तो स्पेलिंग भी पूछनी पड़ती है, पहले इसकी स्पेलिंग बोलो। अच्छा लक्ष्मी, लक्ष्मी जी तो अनिल जी, नहीं नहीं LAKSHMI LAKSHMI, ओके लक्ष्मी, MI आगे इलेक्ट्रिकल कंट्रोल सिस्टम्स। इलेक्ट्रिक, ठीक है सर। हाँ, इसका क्या भाव क्या है? इसका भाव अभी चल रहा होगा ये 1200 के लगभग होगा सर, बारह ओके सौ ठीक है, और हाँ टारगेट? टारगेट पहले 1390 1400 का पहले हाईस बना। अब राष्ट्र का नाम संदेश शुरू करें आप, बताएं। हाँ बिल्कुल सर बिल्कुल, देखिए ये कंपनी एक्चुअली वही है, कई कई बार ऐसे स्टॉक्स आते हैं जो बहुत दिनों से रडार पे भी रहते हैं, मगर सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है लिक्विडिटी का इश्यूज रहता है या फिर सुने हुए नहीं रहते हैं, बट जेम्स में मैंने कोशिश की है कि वैसे स्टॉक्स लाए पहले भी, और इस बार भी ये लाया हूं क्योंकि कई बार मैंने बड़े ग्रुप के छोटे स्टॉक्स दिए हैं, जैसे अपोलो ग्रुप की अगर अपोलो सिंदूरी दी है, या अपोलो टायर्स की अगर मैंने आर्टेमिस दी है, या फिर आपके पिडिलाइट ग्रुप की अगर मैंने दूसरी कंपनियां दी है, तो ऐसे बहुत फर्क पड़ता है। और वो कंपनियां बहुत अच्छा की है, मतलब मल्टीबैगर रिटर्न्स दिए हैं पिछले कुछ सालों में, 2-3 सालों में जब से जेम शुरू हुआ है, बट इनपे ये अनसंग हीरोज है, इन पे नजर जाती नहीं है। तो इस कंपनी के बारे में बता दूं, 1981 में ये कंपनी स्टार्ट हुई थी और एक स्विट्जरलैंड की कंपनी है उनके साथ इनका कोलाब्रेशन हुआ था, स्प्रेशर प्लस सूच बोल के, अब मैं प्रोनाउंसिएशन पूरा नहीं कर पा रहा हूँ, कंट्रोल गियर्स बनाती है बेसिकली ये कंपनी। एक तो PLI जो आ रही है सरकार की, PLI का एक बेनिफिशियरी है एक तरीके से, और सबसे बढ़िया बात यह है कि इसमें जो भी ये कंट्रोल पैनल्स बनाती है टेक्सटाइल मशीनरी के लिए, फिर प्लास्टिक कंपोनेंट्स बनाती है, कमर्शियल टूल रूम मोल्ड्स बनाती है, तो ऑटोमोबाइल और इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज के लिए भी, तो ये एक बड़ा फायदा है। फिर दूसरा ये कुछ मशीनरी ऐसी बनाती है जो टेक्सटाइल मशीनरी पैनल, ड्राइव पैनल्स, सोलर इन्वर्टर पैनल्स, और ये सब यूजर इंडस्ट्रीज भी हैं, तो मुझे लगता है कि एक बढ़िया एक सेगमेंट है जो कि बहुत ही अननोन सेगमेंट है। और 15 के PE मल्टीपल पे ये स्टॉक चल रहा है, 2% के लगभग ये डिविडेंड यील्ड है, एक जीरो डेट कंपनी है, पिछले 3 साल की प्रॉफिट की क्या अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरली हाई है 262%, यानी कि पिछले 2 साल से कंपनी बहुत बढ़िया कर रही है, सेल्स 47% की क्या अगर रही है पिछले 3 साल की, और मैं 5-7-8 क्वार्टर्स देख रहा था तो गजब के किया, पिछले साल 15 करोड़ कमाई है 2022 मार्च में, इस बार 20 करोड़ कमाई है और 300 करोड़ की कंपनी है, और LMW ग्रुप की कंपनी है तो वैसे ही कोई टेंशन नहीं है, एक छोटी इक्विटी वाली कंपनी है, ये भी एक रीजन होता है कि लिक्विडिटी नहीं होती है और सेगमेंट छोटा है तो ज्यादा चर्चित नहीं होता है, और इसमें आगे पीछे कुछ ना कुछ रिनाउंड इन्वेस्टर्स इन्वेस्टेड रहे हैं, दो FIIs DIIs इतने छोटे स्टॉक्स में नहीं एंट्री लेते हैं, बट यस दिस कैन डू वंडर्स, पोर्टफोलियो में रहते हैं तो बहुत बढ़िया क्वालिटी का स्टॉक है, मेरे हिसाब से स्टॉक को इन लेवल्स पे लेते हैं 1390 1430 के लिए। ओके तो ये है आपके लिए लक्ष्मी इलेक्ट्रिकल कंट्रोल, जिस पर करनी है खरीदारी जैन साहब।